First type of special series is AGP, that is arithmetico geometric progression. It is a mix of AP and GP. ठीक है, अब इसमें देखो कैसे आएगा. सपोज आपके सामने लिखा है एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 4 प्लस 7 बाय 8 एंड सो ऑन अप टू टी एन. तो देखो यहां पर एक एपी है 1 3 5 की और एक जीपी है 1 हाफ 1 बाय 4 की. ठीक है, तो आपको सबसे पहले जीपी का रेशियो देखना है यहाँ पर. तो जीपी का रेशियो क्या होगा, हाफ होगा. तो जीपी का रेशियो हाफ है तो आप इस सीरीज को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा लिखेंगे. पर जब दोबारा लिखेंगे तो यू विल राइट शिफ्ट इट एंड राइट. राइट शिफ्ट मतलब एक स्टेप आगे लिखना शुरू करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद आर. नाउ सब्ट्रैक्ट द टू. तो यहां आ जाएगा हाफ एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय 2 2 बाय 4 2 बाय 8 एंड सो ऑन. और इसके बाद लास्ट में आएगा माइनस टी एन. सॉरी, ये भी हाफ हो जाएगा. हाफ टी एन तो माइनस हाफ टी एन आएगा. माइनस क्यू? अच्छा ठीक है, माइनस. अच्छा, अब ये वन को बाहर रख दो तो ये है वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय फोर ऐसे करके माइनस हाफ टी एन. नाउ दिस इज अ जीपी ऑफ एन माइनस वन टर्म्स. एन माइनस वन टर्म्स की जीपी का सम क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर माइनस हाफ टी एन भी लिख देते हैं यहां पर. तो टी एन क्या है, टी एन देखो एपी के टी एन और जीपी के टी एन से बनेगा. तो एपी है 135 की, तो इसका टी एन होगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 यानी 2n माइनस 1. तो इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 जो जीपी का टी एन बनता है. ये हो गया आपका आंसर एस एन करने के लिए. इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हट जा भाई, इस पूरे को इंटू टू करना पड़ेगा. बस उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए अरेंजमेंट. दैट इज योर फाइनल आंसर.
फिर हो गया। डन, सबको समझ में आया ये क्या करना है? यस सर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन करो आप लोग इस पे। इसका 10 टर्म्स का सम बताना है। ये वन इन वो 1.1 नहीं है बेटा, 1 × 1 + 3 × 3 + 5 × 9 + 7 × 27 ऐसे है। इसमें आर कितना है? थ्री। सीरीज को थ्री से मल्टीप्लाई करके फिर राइट शिफ्ट करके सॉल्व करेंगे।
सर एक बार आप करके दिखा दोगे? ये लास्ट के दो स्टेप वापस से निकालना। सर लास्ट के दो स्टेप वापस समझाना। ये जीपी का समय है और ये T10 है, बस वही तो लिखा है। क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? अच्छा ठीक है। नोट करिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत आ रही तो पूछिए।
सर एक मिनट, एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं। एक बार ये ट्राई करो, आपको के का वैल्यू निकालना है। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें टी टेन माइनस थ्री टी टेन माइनस टू टू टेन नहीं होगा बेटा? टी टेन के नीचे थोड़े ना थ्री टी टेन, थ्री टी टेन तो बाहर है ना। अच्छा ठीक है, राइट शिफ्ट कर रहे ना, एक स्टेप यस पार।
कैसे सॉल्व करेंगे वाला क्वेश्चन? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आर निकालना। आर निकालने के लिए पहले प्रॉपर जीपी बनानी पड़ेगी ना, तो 10^9 उधर है ना के साथ, उसको इधर डिनोमिनेटर में ले आइए और फिर सारे टर्म्स को फिर से लिखिए, 10^9 से डिवाइड करके, फिर देखिए क्या बनता है। सर वो 11^9 है एंड पे। आर 11/10 है क्या? सर इसकी कैलकुलेशन तो बहुत अजीब सी होगी। नहीं आएगा आंसर प्रॉपर, देखो सॉल्व करो।
चलो मैं करके बता रहा हूँ आप लोग। सर 10^9 है क्या इसका आंसर? नहीं 100। देखो बता बाकी लोगों का क्या हो रहा है, आया? देखो की का वैल्यू हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 + 2 × 11/10 फिर आ गया 100। तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 11/10 whole to the power 10 - 10 × 11/10 whole to the power 10। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो की की वैल्यू 100 है। समझ आया सबको? यस सर। अनुश्री घर आ रहा है बेटा? यस सर। घर ओके। अब सेकंड स्पेशल सीरीज देखिए। अब डिफरेंस सीरीज में क्या होगा वो समझो। देखो अगर एक ऐसी देखते हैं, बट अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो इसमें जो टर्म्स का डिफरेंस होगा वो एपी है। ऐसे में क्या करेंगे, हम एसएन को दोबारा लिखेंगे वही राइट शिफ्ट करके, पर कोई हमको किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस राइट शिफ्ट करके लिखना है और सबट्रैक्ट कर देना। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर एक माइनस टी एन आएगा, तो हम इसे इधर लाके प्लस टी एन लिख देंगे। दैट इज 1 2 4 6 8 ऐसे करके
ये n माइनस वन टर्म्स की एपी है। तो अब इस एपी का सम करेंगे तो n माइनस वन बाय टू, टू इंटू टू प्लस एन माइनस टू इंटू टू, सो दैट इज वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू अपॉन टू, टू एन माइनस फोर प्लस फोर यानी टू एन हो जाएगा, ये टू कट जाएगा, ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। ये आ गया आपका टीएन का फॉर्मूला। जो टीएन का फॉर्मूला आया है उस टीएन के फॉर्मूले से हमको एसएन बनाना है। तो यहाँ मैं स्टैंडर्ड समीशंस लिखा रहा हूं, फर्स्ट समेशन एन तक के नंबर्स का, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ऐसे निकाल सकते हैं समेशन एन स्क्वायर, तो दैट इज वन डिवाइडेड बाय सिक्स। थर्ड होता है एन क्यूब्स का सम, यानी वन क्यूब प्लस टू क्यूब ऐसे कर करके एन क्यूब तक का, दिस समेशन वन मतलब वन को एन टाइम्स ऐड करेंगे एन आएगा। पहले आप ये नोट करो फिर उसका सम निकालना सिखाता हूं।
sure, done. Okay, ji. Yes. हाँ अब देखो इस टीएन से हम एसएन कैसे बनाएंगे. देखो हमारा टीएन जो आया है वो आया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन. एसएन विल बी समेशन ऑफ दिस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन. ऐसे समेशन आ जाए तो इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स माइनस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू और प्लस एन. यहां कुछ नहीं है, ये नोट करें. Done, sir. हो गया.
यस सर। ओके नेक्स्ट लिखो वीएन मेथड। वीएन मेथड मतलब इसको शॉर्ट में बोलते हैं विजुअल एनथ टर्म मेथड। देखो अगर सपोज आपको एस एन का फॉर्मूला दिया है 1 इंटू 2 मतलब एस एन दिया है ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे दे दिया बोल और बोल रहे इसका सम करो तो ऐसे में आप सीधा क्या करोगे आप टी एन निकालो। अब टी एन में क्या होगा 1 2 3 ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म होगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 ऐसे जो सेकेंड टर्म्स है उनकी भी एपी है एक्चुअली ये बन रहा है देखो 1 2 3 से तो n बनेगा सेकंड टर्म्स इनसे एक ज्यादा है और थर्ड टर्म्स उनसे एक ज्यादा है। अब आप क्या करो इनका एक्सपेंशन कर लो तो ये हो जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब आपका जो sn का फॉर्मूला होगा वो समीशन ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा यानी हो जाएगा समीशन n क्यूब प्लस 3 समीशन n स्क्वायर प्लस 2 समीशन n। बस फॉर्मूले लिख दो बात करो सर एक बार वापस बताना क्या ये वी एन मेथड कुछ नहीं बट टी एन बना दो टी एन में जैसे 1 2 3 2 3 4 लिखा है तो वो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू n+2 है उसको एक्सपैंड कर दिया और समेशन कर दिया
आंसर हो गया बेटा? यस सर। चलो एक और ट्राई करो आप लोग, देखें। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के मिसलेनियस का भी है, इसका सब निकालना है।
सर एक्सप्रेशन तो निकला है लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा। एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करो, देखो सर वाई 1/4 एन स्क्वायर प्लस 1/2 एन प्लस 1/4 आ रहा है, उसके बाद क्या करो? देखो इसका nth टर्म जो बनेगा वो बनेगा 1³ + 2³ ऐसे कर करके n³ होल डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 5 n टर्म्स तक, तो इसका तो हो जाएगा n(n+1/2) का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा n/2 (2×1) + n-1 (2). ये टू कैंसिल कर दो तो नीचे आ जाएगा 1 + n-1 यानी n, n(n) यानी n स्क्वायर। ऊपर है n स्क्वायर (n+1)² / 4 और नीचे भी है n स्क्वायर कैंसिल कर दो तो ये हो गया आपका tn। Sn का फॉर्मूला बनेगा 1/4 समेशन n² + 2n+1, जिसे हम 1/4 समेशन n² + 2 समेशन n प्लस समेशन 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले लिख दो n(n+1)(2n+1)² + 2n(n+1)² + n, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। तो उसके बाद समेशन करनी है इनकी, सर 2n³ + 9n² + 13n/24 है क्या? क्या इसका आंसर ये सिंपलीफाई करके? हाँ वो करने की जरूरत नहीं, वो ठीक है ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितना कराया है आज, इसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। Okay. Yes, sir. Yes, sir.